ओम शांति। आज की तारीख है 18/3/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। किसके लिए? परम पिता परमात्मा के लिए, क्योंकि सत्य ज्ञान केवल परम पिता परमात्मा सदा शिव बाबा के पास ही है। तो इसीलिए सत्य सुनाने वाले शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है, क्योंकि वो सत्य बातें बताएंगे। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होंगी, यानी कौन से लक्षण उनके हमें दिखाई पड़ेंगे जिससे हम पहचानेंगे कि ये हमारे देवी देवता घराने की आत्मा है। तो उत्तर है, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। उनको पहले दिन से ही इस ज्ञान को सुनने से अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा और वो खुशी के रूप में चेहरे से या वाचा से बाहर आएगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। उसकी बुद्धि में आएगा कि श्री मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, बेहद का वैरागी बन जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वो सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर दो है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, हाँ, परमात्मा पिता परम पवित्र है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होते, परंतु हम आत्माएं पवित्र और अपवित्र, हमारे ये रंग बदलते हैं। तो जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट यानी झंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट धारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है सतगुरु बाप का, अविनाशी और बेहद के अधिकारी, अविनाशी और बेहद के अधिकारी की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं कि दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। बाबा कहते यही सोचो कि वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। यदि हम अपनी किसी भी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करें, हम अपनी सर्व चिंताएं बाप के हवाले कर दे, अर्थात फिर हम उस विषय में सोचे नहीं, अपने मन को प्रभु की याद में व्यस्त करें। स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है।
नींव बड़ी मजबूत होती है। तो किस आधार पर मजबूत होती है? बाबा कहते हैं, एक तो उदार चित्त रहो, दूसरा विशाल दिल वाले बनो, तो कभी भी कोई भी हमारी नींव को हिला नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।